हेलो एवरीवन। देखिए आपके एग्जाम में, ठीक है, हार्डली 40 डेज का टाइम जो है और रह गया। ठीक है, 4 जुलाई को एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जिनकी भी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी होगी, रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 50% तैयारी कर रखी होगी, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी बस स्टार्ट कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये कंप्लीट हम डिटेल जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि प्रीवियस ईयर जो है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश सेक्शन देखा जाए तो इंग्लिश सेक्शन में नियर अराउंड 20 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, पैसे से कम जो है आपके 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो है एरर, ठीक है, एरर के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे नियर अराउंड। उसके बाद से कुछ PQRS वाले क्वेश्चन थे, PQRS जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, आपको अरेंज सीक्वेंस में आपको अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो इससे नियर अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन थे, और 1-2 क्वेश्चन जो है आपका वो सिनोनिम से था। तो सिलेबस में एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेंशन है। ठीक है, तो ये सिनोनिम से भी 1-2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इंग्लिश सेक्शन में आप देखिए रेगुलर बेसिस पे आप पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, एरर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और PQRS वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, ये आपका जो है ये लास्ट ईयर जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जो है एक पजल कंफर्म है। ठीक है, एक पजल आती है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग आप देख लीजिएगा। उसके बाद से क्लॉक हुआ और कैलेंडर हुआ, क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक फेवरेट टॉपिक है एमयू का जिससे वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ये है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से जो है एक है आपकी डीआई से 2 सेट कन्फर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग रेगुलर बेसिस पे इसको यूट्यूब पे करा रहे हैं, नियर राउंड अभी 10 या 11 DI हुई है। आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले जो है ये 50 DI हो जाएगी, और पूरी DI आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सारे टाइप के DI जो है ये सॉल्व करा दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये रीजनिंग था। तो डायरेक्शन आप एक बार देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए, क्लॉक कैलेंडर देख लीजिए, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, और रेगुलर बेसिस पे जो है DI की भी प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं कौन सेक्शन पे। ठीक है, तो कौन सेक्शन में क्या आया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, SI और CI से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद से जो है आपका ये TSD हुआ। ठीक है, TSD में 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। TSD में एक रेस का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है ये आपके रेस से आया हुआ है। एक होता है ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होता है कि एक पोल को ये क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एक ये स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद से मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से भी था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपकी ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से थे। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट के साथ जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये चीज आपको देख लेनी है। अब बात करते हैं GS सेक्शन की। देखिए GS सेक्शन में जो AMU ने जो सिलेबस मेंशन किया है उसमें कंप्लीट है इकोनॉमी। ठीक है, कंप्लीट जो है ये केवल इकोनॉमी इंक्लूड है। ठीक है, आपको हम सिलेबस दिखाते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सिलेबस इनका। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें आएंगी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीजें इन्होंने, ठीक है, अपने GS और जनरल एनवायरमेंट अवेयरनेस में जो है इसको मेंशन कर रखा है। ठीक है, और आप जरा देखिए कि पेपर आया गया था। ठीक है, ये देखिए ये पेपर आया हुआ था, इसमें इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन है ही नहीं। सिलेबस में केवल इकोनॉमी मेंशन है। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया।
तो इसमें नियर अराउंड 7-8 क्वेश्चन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इसमें, ठीक है, पॉलिटी आ गया इसमें, ठीक है, हिस्ट्री आ गई इसमें, तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। ये साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, बायो के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, करंट अफेयर भी आई हुई है, तो ये जीएस इन्होंने पूछा है, ठीक है। सिलेबस देखिए और पेपर इनका देखिए, तो फाइनल स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए कि जितने भी अभी हमने प्रीवियस ईयर आपको, ठीक है, क्वेश्चन बताए हुए हैं, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार सिलेबस भी देख लीजिए कि सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है उससे रिलेटेड आप, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे देखिए इन्होंने डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट से क्वेश्चन पिछली बार आया भी था, ठीक है। रेशियो से क्वेश्चन आए हुए हैं, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मिक्सर और एलिगेशन से क्वेश्चन आए हुए थे, परसेंटेज से क्वेश्चन आए हुए थे, नंबर सिस्टम से भी 2-3 क्वेश्चन थे, ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब रीजनिंग में देखिए, अब सिलॉग उन्होंने लिखा है लेकिन सिलॉग से क्वेश्चन दिया नहीं था, एनालॉजी से क्वेश्चन था, लेटर सीरीज से कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग था, ठीक है। लॉजिकल डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे, सिलॉग भी नहीं था। तो आप सिलेबस भी देख लीजिए और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो देखिए जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है, लगभग आपकी अगर प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप मॉक भी देते रहिए, ठीक है। 5 मॉक है आपके लिए, ठीक है। आप जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, तो 5 मॉक आपके लिए तैयार है, ठीक है। इसमें ये पूरा पूरा प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है ये आपके पूरे मॉक भी जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी मॉक जो है ये लैपटॉप या पीसी से देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अभी concept.com से जाके ले सकते हैं इसको, या डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको 5 मॉक मिल जाएगा, और अगर आप 5 मॉक के साथ जो है, ठीक है, आप अगर जीएस की क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, जीएस में इकोनॉमी जो सेक्शन है, हो सकता है कि सिलेबस में पिछली बार इकोनॉमी मेंशन था लेकिन आया नहीं था, तो हो सकता है कि इस बार पूरा इकोनॉमी ही आ जाए, तो कंफर्म नहीं है। तो इसमें क्या है कि पूरी इकोनॉमी के नियर अराउंड 10 क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीजें जो है, एक एक घंटे की क्लास रहेगी, तो 10 आवर में आपकी पूरी इकोनॉमी कवर हो जाएगी। उसके बाद से आपको 5 मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा, करंट अफेयर की क्लासेस भी मिल जाएंगी, इसके पीडीएफ नोट भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो अलग से जो जीएस सेक्शन है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था स्टेटिक जीके, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, ये सारी चीजें थी, ठीक है, तो इसकी भी क्लासेस आपको नियर अराउंड 30 क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी जो करंट अफेयर और ये पूरा पूरा जो जीएस का, ठीक है, टॉपिक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस इसकी जो है, मॉक की प्राइस जो है ये 299 रहेगी केवल, इसमें आपको 5 मॉक मिल जाएगा, ठीक है। 499 में जो है आपको मॉक भी मिल जाएगा और ये कंप्लीट जीएस की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। 10 इकोनॉमी की, 30 स्टैटिक जीके, नियर अराउंड 40 क्लासेस मिल जाएंगी, और करंट अफेयर की 5 क्लासेस आपको मिल जाएंगी 5 मंथ की, और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस मॉक प्लस जीएस, ठीक है, केवल प्राइस जो है आपकी 500 है। तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। और जिनकी तैयारी अभी लगभग नहीं हुई है, ठीक है, तो आप 40 डेज में इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो आपके लिए भी एक शॉर्ट क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको नियर अराउंड 100+ क्लासेस आपको दे दी जाएंगी, कुछ ढूंढना नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे पूरी पूरी रीजनिंग की नियर अराउंड 30 से 35 क्लासेज रहेंगी, इंग्लिश की क्लासेज रहेंगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल स्टडीज भी रहेंगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार देख लीजिए, और इससे रिलेटेड जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, बस आप उसी को एक बार आप लगा लीजिए, ठीक है। कहीं कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम आपके पास काफी कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सिक्वेंस मैनर में सारी चीजें मिल जाएंगी, इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और GDPI की भी क्लासेज मिल जाएंगी, ठीक है। तो कम्प्लीट अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो इसकी प्राइस जो है ये केवल 1999 रहेगी, ठीक है। तो 2000 में जो है, ठीक है, आपको मॉक भी मिल जाएगा, GDPI की क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है, और अदर क्लासेस की भी जो है, ये सारी रिकॉर्डेड 100 क्लासेस आपको जो है नियर अराउंड मिल जाएंगी। तो 40 डेज में जो है आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इसको कवर करके आप भी मॉक देते रहिए, ठीक है। अभी आप मॉक मत लगाइए, क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो नियर अराउंड 15-20 डेज में आप पहले सारी चीजें कवर कर लीजिएगा, फिर आप मॉक दीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि CUET के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। CUET में BHU के जितने भी कोर्सेस हैं, जैसे BHU MBA हो गया, एग्री बिजनेस हो गया, MPMIR हुआ, ठीक है। उसके बाद से इस बार UPCET का एग्जाम नहीं होगा। UPCET में क्या था, AKTU था, MMUT थे, और ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है ये भी है इसमें। तो ये सब कुछ जो है CUET में इंक्लूड हो गया। तो इसके लिए जो है आपको CUET PG के फॉर्म आपको फिल करने होंगे। आखिरी डेट जो है ये 18 जून है,
इसको भी आप फिल कर दीजिएगा, और ये जो आप कोर्स लेंगे ना इससे सीवीटी भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है सीवीटी से रिलेटेड एक वीडियो भी है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे हम ये वीडियो शेयर कर दिए, ठीक है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ठीक है कौन कौन से एमबीए, ठीक है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं सीवीटी के थ्रू, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए और इसके भी आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। तो और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और एएमयू के लिए जो है यही आप स्ट्रेटजी फॉलो करिए, और नियर अराउंड जो है अभी 40 डेज का जो टाइम है इसमें आप कम से कम कोशिश करिए कि 5 to 6 आवर जो है ये रेगुलर बेसिस पे आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर इधर कर लेंगे तो फिर आप ये जो सीयूटी का भी जो एंट्रेंस देंगे वहां पे भी ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फिर आप डीआई भी जो है डीआई यूट्यूब पे जो है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, डीआई आपका वहां से कवर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर आप जो भी क्वेश्चन है और सिलेबस है उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आप जो है नियर अराउंड 5 days या 4 days के अल्टरनेट पे जो है आप मॉक देते रहिए, एक मॉक दीजिए, ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, ठीक है। फिर 2 से 3 दिन में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, फिर आप 2 से 3 दिन बाद जो है ऐसे करके आप सेकेंड मॉक दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।